आज भारत को आतंक के खिलाफ एक और बड़ी जीत मिली। भारत आतंक के खिलाफ अपनी लगाम कसने में धीरे धीरे कामयाब होता दिखाई दे रहा है। हाफिज सईद को किया जाएगा उसके घर में ही कैद। जानेंगे इस खबर के बारे में सब कुछ डिटेल में। उससे पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी खबर की ओर। दोस्तों, आतंक ने आज एक बार फिर दस्तक दी। जम्मू बस स्टैंड पर हुए ग्रेनेड हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जम्मू बस स्टैंड पर यह हमला तब हुआ जब भारत ने साफ चेता दिया कि भारत का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब भी अपने आतंक के आकाओं को बचाने में लगा है, मगर उसके खिलाफ भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी जीत मिली है। हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने यूएन में जो सबूत रखे थे उनके आधार पर यूएन ने आतंकियों की लिस्ट में से हाफिज सईद का नाम हटाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। उसकी अर्जी संयुक्त राष्ट्र में खारिज कर दी गई है। भारत ने हाफिज सईद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र को जो सबूत सौंपे थे जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादियों की लिस्ट में से हाफिज सईद का नाम हटाने की उसकी खुद की अर्जी को खारिज कर दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसे भारत की आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, मगर हालात ये है कि पाकिस्तानी सेना अपने मुल्क में जैश ए मोहम्मद के मौजूद होने से इनकार कर रही है। जबकि चार दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने कहा था कि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में है और बहुत ज़्यादा बीमार है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।